बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए सबसे बड़े राज बताने वाला हूं आपको अगले एक मिनट में। जी हाँ, जो सबसे पहला राज है वो यह है कि आपको टायर प्रेशर बाइक को मेंटेन करना है। हर 3 दिन में जो आपको टायर प्रेशर है, 1 रुपए 2 रुपए की हवा डलती है, 5 रुपए की डलती है, इससे ज्यादा क्या डलेगी। तो आपको टायर प्रेशर बराबर मेंटेन करके रखना है। जो भी कंपनी बोलती है जितने टायर में होना चाहिए हवा, उतनी हवा आपको रखनी है। और अगर 2 लोगों को बिठा रहे हैं तो पिछले टायर में हवा थोड़ी सी बढ़ा देनी। दूसरी बेसिक सी सर्विस की चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो ये कि गाड़ी का एयर फिल्टर बराबर क्लीन रखना है। कंपनी बोलती है 12,000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर को बदल दो, मगर आपको जो है एयर फिल्टर को क्लीन कराते रहना है हर 2-3 हज़ार किलोमीटर में। अगली चीज, गाड़ी पर ना ओवरलोडिंग बिल्कुल भी मत करना। ओवरलोडिंग जहां पर आपने करी वहां पर इंजन को लोड पड़ेगा, गाड़ी को आगे बढ़ाने में एवरेज कम हो जाएगा। ओवरलोडिंग मानी कि 3 लोग आप बिठाओगे, 3 लोग बिठाओगे तो तीनों पेट्रोल का पैसा नहीं डिवाइड करेंगे ना। 5,000-6,000 आरपीएम के नीचे आप इंजन को चलाओगे, अब इंजन जितनी भी स्पीड में चले टॉप गियर में, उसमें आपको जो है इंजन से अच्छा माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर आपके बाइक में टैकोमीटर नहीं है जो आरपीएम नहीं बताता है, तो उस सिनेरियो में आप जो है 60 के नीचे चलाओगे तो आपको जो है बेहतर माइलेज मिलेगा बाइक। ये है कुछ बड़े राज बाइक का एवरेज बढ़ाने के लिए। वीडियो पसंद आ गई तो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दबा दो, 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दो, ऐसी शॉर्ट्स डालूंगा, मजा आ जाएगा।